नमस्कार, मैं हूं एपिलकी और आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। कैपिटल न्यूज मतलब उन अनछुए पहलुओं को पकड़ना और आप तक से साझा कराना, क्योंकि ये मुद्दे जनहित के मुद्दे होते हैं। और आज पंचायती चुनाव को लेकर जो कसमकस, जो जिद्दोजहद दिखाई पड़ रहा है, वो वजह साफ है कि ओबीसी आरक्षण को लेकर के पलामू जिला मुख्यालय में एक शख्स मुखर है, नाम है समाज सेवी अजीत मेहता। आइए हम जानते हैं कि आलम क्या है और इस आलम में आखिरकार सरकार की मंशा क्या है और क्यों आखिरकार ओबीसी को लेकर के ही इतना अजीत मेहता को मुखर होना पड़ा। आमतौर पर चर्चा आम है, आप चुनाव लड़ना चाहते थे जमुने से, जमुने में आरक्षण नहीं मिला, अब आप स्वतंत्र हैं, लेकिन ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर आप पूरी तरह से मुखर हो गए। क्या लगता है कि सरकार ने क्या कहा, और आज सरकार अगर अपनी मांगों को, आपकी वादे को पूरा नहीं कर रहा है, तो उसके पीछे मंशा क्या है सरकार की? सबसे पहले लक्की जी, आप बहुत कीमती समय निकाल के आए हमारे यहाँ, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और रामनवमी पूजा के सभी क्षेत्रवासी को अग्रिम बधाई। अब ओबीसी पर बात आई है तो चुनाव अलग चीज़ है, एजेंडा अलग चीज़ होता है। और हमारे धर्मपत्नी कुशवाहा रानो देवी जिला पार्षद अभी है, अभी हम पलामू जिला के राष्ट्रीय ओबीसी का अध्यक्ष हैं, उसके अलावा भी कुशवाहा महासभा की अध्यक्ष हैं। खासकर अभी पंचायत चुनाव 2022 होने वाली है झारखंड में, उसमें ओबीसी को वंचित रखा गया आरक्षण से। झारखंड सरकार हम लोग को जो है ओबीसी के खिलाफ जो एजेंडा, जो अपना स्टैंड साफ कर दिए हैं, जो हम देखे विधानसभा में मंत्री और मुख्यमंत्री दोनों ने स्पष्ट बोले कि बिना ओबीसी को आरक्षण दिए ही हम लोग चुनाव कराएंगे। जो पूरा झारखंड में ओबीसी बहुत आहत है उनका बयान से, क्योंकि मुख्यमंत्री एक जिम्मेवार पद है और मुख्यमंत्री सबका मुख्यमंत्री है। उन्होंने बोले विधानसभा में कि ओबीसी को जनरल कोटा में ही रह के चुनाव कराएंगे, क्योंकि ओबीसी की संख्या ज़्यादा है तो खुद आ जाएंगे चुनाव जीतकर। अच्छा, मुख्यमंत्री जी से हम जानना चाहेंगे, ओबीसी समाज जानना चाहेगी, आखिर एससी एसटी भी तो रिजर्व हम लोग विरोध नहीं किए हैं, आखिर उनका संख्या है, वो भी तो जीत के जाएंगे, तो रिजर्व की बात कहाँ से आती है? आप स्वतंत्र कर दो, हम लोग संविधान में जो बाबा साहेब के देन है, मेरा अधिकार है, हम उसको मांग रहे हैं। हम किसी एससी एसटी, मेरा भाई है, हम किसी का विरोध अभी तक नहीं किए हैं, अपना हक मांग रहे हैं। केंद्र सरकार ने 27% आरक्षण हम लोग के दिए हैं, उसी तर्ज पर हम लोग, ऐसे तो पिछड़ा आयोग ने 52% का आरक्षण के लिए अनुशंसा की थी झारखंड में, लेकिन कम से कम हम लोग 27 पर अड़ल हैं कि 27% आरक्षण दे के ही कराएं। उनका एक बयान और सुने लगे जी हम, कि एससी एसटी को यूक्रेन बैठा दें, तो उनका साफ मंशा था कि ओबीसी से जिस तरीके से एलर्जी उनको है कि ओबीसी को यूक्रेन बैठाना चाहते हैं शहीद होने के लिए। और पहली बार हिंदुस्तान में ऐसा कोई मुख्यमंत्री ओबीसी से इतना एलर्जी करता है और उसको अनदेखी करके बयानबाजी दे रहा है। हम लोग आहत हैं और अपना स्टैंड क्लियर करते हैं। ओबीसी पूरा भी 2400 जिला में आप देखिएगा धरना मशाल जुलूस हो रहा है, और पलामू जिला के नेतृत्व हमारे हाथों में है, उसमें अभी हम पलामू से ही हम लोग हाईकोर्ट गए हैं, राजू जी वकील हैं हाईकोर्ट के, उनके द्वारा पीएल दाखिल किए हैं। अब समझता है, आज वकील साहब से बात हुई है, कल उनको सरकार के नोटिस भी जाएगी, और बिना आरक्षण के चुनाव कराती है तो हम लोग पूरा झारखंड में उग्र आंदोलन करेंगे, रांची से लेकर दिल्ली तक जाएंगे। उसके अलावा हम लोग समझ लेंगे कि झारखंड सरकार, गठबंधन सरकार ओबीसी विरोधी सरकार है। कहीं ना कहीं उनकी बातों में एक राजनीतिक प्रतिद्वंदिता नजर आती है, लगता है जैसे कि ओबीसी को वो अपना नहीं बल्कि विपक्षी खेमा का मानते हैं। अगर आपकी ओर निगाह जाए तो आप विपक्षी खेमा में आते नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं तो राजनीतिक एक बदलापन वो दिखाई पड़ता है। देखिए, वो खुद विधानसभा में बयान दिए हैं, इसमें छुपाने की बात नहीं है, और हम तो बोले कि झारखंड राज्य में, पूरा हिंदुस्तान में राज्य ऐसा पहला होगा कि मुख्यमंत्री ओबीसी के खिलाफ बयान दे और उसे एलर्जी रखे। हम लोग कायम है और हम लोग मांग करते हैं उनसे
कि ओबीसी के आरक्षण दे के ही चुनाव कराए, हमसे आप लोग के कोई दिक्कत नहीं है। झारखंड मुक्ति मोर्चा में ओबीसी हैं, कांग्रेस में भी है, बीजेपी में है, और जिस तरह से कांग्रेस, आसू, बीजेपी सभी दल के लोगों ने ओबीसी के आरक्षण के पक्ष में समर्थन दिया है, और हम लोग अपना अधिकार मांग रहे हैं, भीख नहीं मांग रहे हैं। हम पलामू में तो ओबीसी का सत्ता भी है, मेयर भी ओबीसी, विधायक भी ओबीसी, और एक दो नहीं बल्कि लाइन से अगर गिनती करेंगे तो तकरीबन सभी विधायक आपको ओबीसी मिलेंगे। ऐसी परिस्थितियों में अजीत मेहता से ये सवाल तो बनता है कि क्या ओबीसी विधायक गण आपका समर्थन करते हैं, क्या आपके साथ वो इस लड़ाई में नज़र आते हैं? देखिए, सचमुच सबसे ज़्यादा कोई जिला से ओबीसी विधायक बन के गए हैं तो पलामू जिला ही है। हम लोग ओबीसी जब से झारखंड अलग हुआ, अभी देखे हुए कि ओबीसी का आरक्षण का मामला उतना गर्म नहीं था जितना अभी है, लेकिन हम लोग प्रेस के माध्यम से, अवाफी के चैनल के माध्यम से हम लोग एक मुहिम चलाए थे कि पलामू जिला के विधायक हम लोग का मांग विधानसभा में नहीं उठाते हैं तो हम लोग उनके लिए भी आवाज़ बनकर खड़ा रहेंगे पलामू जिला में। उन्होंने अपना काम किया है, पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, विधानसभा में प्रमुखता के साथ अपना वादा निभाया है, पिछड़ा के सवाल पर, पंचायत चुनाव के सवाल पर उन्होंने किया है, इसीलिए हम लोग किसी का विरोध भी नहीं कर रहे हैं। हम लोग बस यही आग्रह करेंगे जिस तरह से विधानसभा में मामला उठाएं, रोड पर भी उनको आने का ज़रूरी है, धरना दें, मशाल जुलूस करें। अब ये उनको प्रण लेना होगा कि जब से ओबीसी को आरक्षण न मिले तब तक चुनाव न हो। लेकिन हमने एक आपका वीडियो देखा, उसमें आप कह रहे हैं कि विधायकगण बिजनेसमैन हैं, अफसरों से डरते हैं, उनका काम धंधा बंद न हो जाए। देखिए, सच्चाई छुपता नहीं है लकी जी, और सचमुच अभी नहीं, हम कभी भी बोले हैं, वो आज भी बोल रहे हैं और बोलेंगे भी कि एक समय था पलामू जिला के राजनीति जो पॉलिटिकल पावर होता है, पहले एक फोन पर काम होता था, गरीब गुरबा का विकास होता था, आज विकास से लोग वंचित हैं, गरीब गुरबा चक्कर लगा रहे हैं जाति स्थानीय के लिए, वो भी नहीं बन रहा है। कहीं न कहीं एक छोटा हो चाहे बड़ा हो, अफसर से विधायक डर रहे हैं, उसके कारण को आप ढूंढिए। कारण यही है कि बिजनेसमैन है, आखिर वो अफसर से लड़ेंगे, दबाव बनाएंगे जनता के लिए तो उनका बिजनेस ठप हो जाएगा। इसके चलते ही उन्होंने ऐसा जो हम लोग देख रहे हैं कि चुपचाप गूंगा बहरा, सरकार की तरफ विधायक भी है, हमको कोई दिक्कत नहीं, बेकाब बोलते हैं, जो करना होगा विधायक जी करेंगे और लगावे चौपाल, हम बोलने के लिए तैयार हैं। एक समय था ददई दुबे, इंदर सिंह नमधारी, स्वर्गीय विदेश बाबू, राजनीति का जो पावर था उन्होंने दिखाया, क्योंकि वो संविधान में मिला है, अब प्रतिनिधि के जो पावर है संविधान में हमको मिला है। सचमुच प्रतिनिधि पावरफुल होता है, क्योंकि विकास का कुंडी जो होता है प्रतिनिधि के ही पास रहता है। लेकिन 10 साल 5 साल पहले आप जाइए और आज के दौर में आप देख लीजिएगा कि ब्लॉक हो, डीडीसी ऑफिस हो, डीसी ऑफिस हो, एसपी ऑफिस हो, विधायक लोग फ़ोन करते थे तो जाति स्थानीय के लिए दिक्कत नहीं होता। अभी देखे हम गए थे परसों दिन, लाइन लगा था जाति स्थानीय के लिए, 26 तारीख को आपका कुछ था अथी लड़कन के, हम बोले कि तुम लोग किस लिए हो, तो नहीं हम लोग के सीईओ साहब यहाँ छुड़वाना है, अब कल भैया हम लोग के एग्ज़ाम है, हम लोग के देना है। पैसे की भी बड़ी मांग होती है, लोग कहते हैं, लेकिन मुखर होकर के इस मामले को कोई उद्भेदित नहीं करता है। अजी जी, कितना दुखद है, भ्रष्टाचार एकदम चरम पर है। देखिए, हम तो ये सबूत के साथ नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हमें जानकारी है, सूत्रों के अनुसार पता चला है कि सरकार ट्रांसफ़र और पोस्टिंग की ही सरकार है, जितना भी लोग अफसर आए हैं कुछ न कुछ पैसा दे के आए हैं, तो आखिर पैसा उगाही करेंगे, इसका दोषवार कौन है? सरकार है, और प्रतिनिधि यहाँ की आवाज़ लोग नहीं उठा रहे हैं तो उसका भी दोषवार प्रतिनिधि है। हम तो एक बात बोले कि सब पलामू जिला में अब जो है हम लोग के विकल्प खोजना होगा। अजीत मेहता मानते हैं, एक IAS ने मुझसे कहा था कि पलामू के विकास का सबसे बड़ा अवरोधक है कि जनप्रतिनिधि जो यहाँ के स्थानीय हैं उनमें इच्छा शक्ति का घोर अभाव है। अजीत मेहता क्या मानते हैं, यहाँ के जनप्रतिनिधि में वाकई में इच्छा शक्ति का घोर अभाव है, वाकई में वो जनप्रतिनिधि कहलाने लायक नहीं? देखिए, ऐसा नहीं है, उन्होंने आकलन कर लिया कि भ्रष्ट खुद हैं तो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ कैसे उठाएंगे। पहले भी आपको हम बोले लकी जी कि बिजनेसमैन है, आप 5 साल पहले जाइए ना, विदेश बाबू थे, ददई दुबे थे, नमदारी जी थे,
तो विकास के गंगा पलामू बहता था, झारखंड में सबसे ज़्यादा कहीं विकास होता था तो पलामू जिला में होता था। आखिर विकास से वंचित लोग क्यों हैं? हम तो बोले कि विकास से वंचित लोग इसलिए हैं क्योंकि कहीं ना कहीं जो भी पलामू के विधायक गए हैं सब बिजनेसमैन हैं, और किसी से बात करेंगे भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करेंगे सबसे पहले उनका बिजनेस जांच होगा, कमज़ोर पड़ जाएंगे, इसलिए मजबूर है कि उनको गुंगा बन के रहना है। वो तो दोषी हम लोग हैं, हम लोग उस आदमी को भेजने का काम किया। पलामू में विकल्प के रूप में सब जगह चाहिए, और जो पावर के यूज करता हो, पॉलिटिकल करता हो, बिजनेस से हट के हो, वैसा आदमी को हम लोग को विधायक बना के बैठाने के काम करना चाहिए। उसका दोषी हम भी हैं। आइए जो बोले वो सही बोले, क्योंकि गड़बड़ दोनों तरफ से होता है, एक तरफ से नहीं होता है। अब क्या लगता है कि ओबीसी को उसके हक को दिलाने को लेकर के अजीत मेहता किस समाधान की ओर बढ़ेंगे? आंदोलन का क्या वाकई में रुख अख्तियार होगा? देखिए, इसका रूपरेखा तैयार हो चुका है। राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के बैनर तले हम लोग पूरा झारखंड में अभी मशाल जुलूस सत्याग्रह आप देख रहे हैं 23 तारीख से चालू हुआ है, और हम लोग सड़क पर भी उतरने के योजना बनाए हैं। उसके अलावा सरकार हम लोग के नहीं चुनाव कराती है ओबीसी का आरक्षण देके, तो हम लोग ओबीसी सरकार का विरोधी मानेंगे। उसके अलावा जो पांच राज्य में जो अभी देखे ओबीसी के बिना जो चुनाव लड़े, वही हाल झारखंड में होगा। फिर नामो निशान उनका नहीं मिलेगा, क्योंकि ओबीसी है तो पलामू झारखंड यहाँ पर सत्ता है, और ओबीसी के बिना वो सोच रहे हैं वो मुश्किल काम है सत्ता चलाना। ओबीसी है तो ही सत्ता है। राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष अजीत मेहता ने ये घोषणा नहीं की है बल्कि एक चुनौती दी है सरकार को, और झारखंड की सरकार पंचायत चुनाव कराने में अब तक जिस तरह से नाकामयाब साबित हुई है उसमें अहम योगदान ओबीसी के आरक्षण को लेकर के चल रही लड़ाई है। ऐसे में जहां झारखंड सरकार के लिए पंचायत चुनाव करा करके और अपनी हो रही किरकिरी को से बचना भी है, वहीं अब ओबीसी को अपने साथ में लेकर चलना भी, चूंकि इनकी संख्या कम नहीं है। ऐसे में आने वाले वक्त में पता चलेगा कि सरकार का रुख क्या होगा और ओबीसी मोर्चा अब किस रुख आंदोलन अख्तियार करेगी। सहयोगी तनु नागरी के साथ एपी लकी कैपिटल न्यूज मेदिनी नगर।